हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं नबीद बलोच, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी रिएक्ट ऑन वेरंगल सिटी, तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना स्टेट इंडिया का तेजी से बढ़ता हुआ स्टेट है और वेरंगल सिटी के फैक्ट्स पर रिएक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। वारंगल। वारंगल भारत के राज्य तेलंगाना में स्थित है, जो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद से 145 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। वारंगल सिटी एक हिस्टोरिकल सिटी है, जो 11वीं सेंचुरी में काकती राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। काकती राजवंश ने यहाँ पर बहुत सारी मॉन्यूमेंट का निर्माण करवाया था। वारंगल शहर अपने पवित्र मंदिरों, खूबसूरत किलों और झीलों के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, जो इसे एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट बनाती है। काकतीय राजवंश के दौरान वारंगल को ओरुगल्लू के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है एक पत्थर। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो वारंगल तेलंगाना का दूसरा और भारत का 61वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 9 लाख के आसपास है। और साथ ही में वारंगल को तेलंगाना की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। इसके अलावा फरवरी 2013 में यूनेस्को ने वारंगल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया था। और साथ ही में तीन शहर काजीपेट, हनमकोंडा और वारंगल को एक साथ वारंगल ट्राई सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वारंगल भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक है, जो तेलंगाना की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। वारंगल में स्थित इनुमामला एग्रीकल्चर मार्केट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल मार्केट है, जो 117 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार वारंगल शहर में 93% हिंदू, 5% मुस्लिम और 2% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। अगर टूरिज्म की बात की जाए तो वारंगल में घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां पर हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं वारंगल में घूमने की पांच सबसे अच्छी जगह, जहां पर हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है भद्रकाली टेम्पल। भद्रकाली टेम्पल वारंगल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो मंदिर गॉडेस भद्रकाली को समर्पित है। यह मंदिर वारंगल और हनमकोंडा शहर के बीच एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसे चालुक्य शासन के दौरान 625 ईस्वी में बनाया गया था। भद्रकाली टेम्पल वारंगल के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। नंबर 4 पर है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल को रामलिंगेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को काकती राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर हिंदू गॉड शिव जी को समर्पित है। रामप्पा टेम्पल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। वारंगल सिटी से रामप्पा टेम्पल 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 3 पर है पाखल लेक। पाखल लेक वारंगल सिटी से अराउंड 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यह लेक एक मैन मेड लेक है, जो पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनी हुई है। पाखल लेक जंगलों, पहाड़ियों और हरियाली के बीच 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। आप लोग यहाँ पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। नंबर 2 पर है वारंगल फोर्ट। वारंगल फोर्ट वारंगल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। वारंगल फोर्ट को 13वीं सेंचुरी में काकती राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इस टाइम यह जगह खंडर में बदल चुकी है। तब भी यह जगह वारंगल में घूमने के लिए सबसे पॉपुलर जगहों में से एक है। और अब नंबर 1 पर है थाउजेंड पिलर टेम्पल। थाउजेंड पिलर टेम्पल को रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है।
जो एक हिस्टोरिकल हिंदू टेंपल है। यह मंदिर भगवान शिव जी, विष्णु जी और सूर्य देव को समर्पित है। थाउजेंड प्लेट टेंपल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया है। यह मंदिर वारंगल के हनमकोंडा टाउन में स्थित है। आप लोग इन जगहों के अलावा वारंगल में घूमने के लिए काकती जूलॉजिकल पार्क, पद्मकाशी टेंपल, लखनावरम चेरुगु, कुश महल आदि जगह जा सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। वारानगर जो दिखाया गया वो बहुत ही खूबसूरत शहर है, और खास तौर पर वो जो झील दिखाई गई थी, पाखली लेक, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। झील जो है इसमें कुछ रखनी, एक कुदरती जो समझे नज़ारा होता है, खूबसूरत यानी कि नेचुरल ब्यूटी। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडिया के आप जिस स्टेट में चले जाएं, जिस डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, जिस सिटी में चले जाएं, आपको नेचुरल ब्यूटी से माला माल मिलेगा इंडिया। तो वारंगल सिटी जो है, बेसिकली वारंगल फोर्ट जो है, ठीक है, किले से ये मेरे ख्याल में सिटी है जो असल इसकी मेरे ख्याल है, बड़ा ऐतिहासिक यानी कि ये एक शहर है जिसकी बहुत बड़ी तारीख है मेरे ख्याल में। इस पर हमें मजीद डिस्कस या रिसर्च करनी चाहिए, या अगर आप समझते हैं कि वारंगल सिटी के फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए, खासकर हिस्ट्री से रिलेटेड, वो आप हमें फीडबैक में ज़रूर हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, और इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। एडवांस में आपको कहते हैं धन्यवाद। तो वारानगर सिटी को देख कर ना, जब मैं सिटी का देखना ये चाहता था कि वहाँ पे लोगों का वे ऑफ लाइफ कैसा है, ठीक है, और इसके अंदर कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, ये इस पर थोड़ा बताना चाहिए था। लेकिन इतना तो कन्फर्म है क्योंकि तेलंगाना है, तेलंगाना एक बेहतरीन तेजी से तरक्की करता हुआ इंडिया का स्टेट है जो 2009 में वजूद में आया। इंडिया ने खुद इस स्टेट को डिक्लेयर किया, और इस स्टेट की जो अब कामयाबियां हैं, जो तरक्की है, वो पूरे इंडिया में नुमाया है। और इस स्टेट के जितने भी सिटीज़ हैं वो भी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए हम इस स्टेट के सिटीज़ को एक्सप्लोर करने लगे हैं आपके साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारा मकसद जब हम इंडिया पे रिएक्ट करने है करते हैं तो इसका मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम देख रहे हैं कि इंडिया अपने सिटीज़ को कैसे डेवलप कर रहा है, इंडिया अपने लोगों के मेयार ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर रहा है, इंडिया अपने लोगों के मेयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कितनी स्ट्रगल कर रहा है। और यकीन मानिए, नरेंद्र मोदी जी के हम फैन होते हैं क्योंकि उनकी जो लीडरशिप है वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और आज इंडिया दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बन चुका है, दुनिया की सुपर इकोनॉमी बन चुका है। और जितने भी सिटीज़ हैं इंडिया के, उन सब की तरक्की को हम अपने आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपके साथ रिएक्शन वीडियोस में लेकर आ रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से सिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए, वो भी आप हमें फीडबैक में ज़रूर बता सकते हैं। और यकीन माने, वारानगर सिटी क्योंकि तेलंगाना का शहर है, और तेलंगाना पे हम ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, एक ऐसा स्टेट बन चुका है इंडिया का जो मिसाल दी जा सकती है कि यार अगर किसी स्टेट ने, खासकर जैसे हम पाकिस्तान में हैं, हम अगर पाकिस्तान में अगर कोई डिस्कस करें, हम मिसाल देना चाहिए यार कैसे कोई सूबा या स्टेट तरक्की करता है, तो हम कह सकते हैं आप तेलंगाना से, तेलंगाना को देख लें, तेलंगाना ऐसी तरक्की कर रहा है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें सपोर्ट मिल जाएगी, सपोर्ट हो जाएगी, मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।